पुलिस का काम होता है जनता पर जुल्म ढाने वाले गुनहगारों को पकड़कर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना और सजा दिलवाकर जनता को इंसाफ दिलवाना। लेकिन कई बार बहुत से अपराधी पकड़े तो जाते हैं, लेकिन उनके रुतबे और पैसे के चलते उन्हें जेल में भी 5-स्टार होटल की फैसिलिटी दी जाती है। इस बीच एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें हाल ही में कुछ दिन पहले अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से अब तक 95 लोगों की तड़प तड़प कर मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले में जगह जगह दबिश देकर शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर अब तक 33 गिरफ्तारियां की हैं। इनमें से एक आरोपी अनिल चौधरी भी है। इसका देसी शराब का सरकारी ठेका था, जहां की शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने इसे खैर थाने में रखा हुआ है, जहां पर पुलिस इसे आरोपी की बजाय एक VIP ट्रीटमेंट देने में जुटी है, जैसे ये कोई अपराधी नहीं बल्कि उनके घर का दामाद हो। इस वारदात का वीडियो भी सामने आया है। इसमें वो लॉकअप के बाहर एक बेड पर तकिया लेकर बैठा हुआ है, एक तरफ पंखे की हवा और दूसरी तरफ खिड़की से तेज आती हवा। रात भर वो वहीं पर आराम की नींद सोता रहा। इसके अलावा उसे महंगे ब्रांड के गुटके रजनीगंधा भी दिया गया। आपको बता दें कि अनिल RLD नेता रह चुका है और साथ ही माना जा रहा है कि उसकी शासन और सरकार में अच्छी पकड़ भी है। यही कारण है कि उसे थाने में भी VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और उसे आरोपी नहीं बल्कि मेहमान समझकर जेल में उसकी खातिरदारी की जा रही है। आइए जरा एक बार आप भी इस वीडियो पर नजर डालें। तो वही मामले की जानकारी देते हुए अलीगढ़ के SP ग्रामीण शुभम पटेल ने बताया कि थाना खेर के हवालात में शराब माफिया अनिल चौधरी बंद था। उसे रात में हवालात के अंदर सांस लेने में परेशानी होने लगी थी, जिसके बाद उसे बाहर तख्त पर बैठा दिया गया। लेकिन इसे लेकर एक गलत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसकी जाँच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो देखा आपने, ये है हमारा सिस्टम। अगर आपकी जेब में ढेर सारा पैसा हो या फिर आपकी ऊपर तक पहुंच हो तो ये ट्रीटमेंट आपको भी मिल सकता है। वैसे फिलहाल इस मामले की कार्रवाई की जा रही है तो हम औपचारिक तौर पर इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। बाकी आप तो जनता है, आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। BK News से अभिराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।